بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Welcome to online classes of Iqra Unfaal Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. Lecture number 9 है हमारा class 9 and 10th में Mathematics unit number 7 हम पढ़ रहे हैं matrices. Exercise हमारी चल रही थी exercise 7.3. डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी हमने आपको अब तक पढ़ाया है एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए, तो तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने रजिस्टर में विद इंडेक्स कर लिए होंगे. आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट लेक्चर आपको देंगे, उसके बाद हम 7.4 पर आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चल रहा था, हमने इसके कुछ पार्ट्स करवा दिए थे और कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे. क्वेश्चन नंबर 14 को ही हम आगे बढ़ाएंगे. अब पार्ट 4 मैंने इसका बोर्ड पर लिखा है. क्वेश्चन नंबर 14 का ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. दो साइड्स आपके पास गिवन है और हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये दोनों साइडें जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम ब्रैकेट्स में जो दी गई चीजें होती हैं पहले हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं. तो ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या कहा गया है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें कहा गया है कि बी प्लस सी को पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद देन जो भी आपके पास रिजल्ट आए मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखूंगा ए बी को मल्टीप्लाई करना है जो भी रिजल्ट आएगा, और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो लिहाजा हम इन दी एंड देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो सबसे पहले चूंकि ये प्रूफ टाइप के सवाल आते हैं तो हम लिखेंगे प्रूफ में क्या करना है. हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, हमें जो भी करना होगा वो हम एज इट इज क्वेश्चन को दोबारा एक दफा उतार लेंगे कि हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ ए सी. ओके स्टूडेंट, अब हम कोई भी साइड लेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे. ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड है. लिहाजा मैं कोई एक साइड ले लेता हूं पहले, कंसीडर हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और हम बता भी देते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ए बी प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है. हम इसका नाम भी रख देते हैं कि हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन वन है. ओके स्टूडेंट, अब इस ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस सी, इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे. तो हम लिख देते हैं सबसे पहले यहां पर फॉर बी प्लस सी, सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे. जी स्टूडेंट, बी प्लस सी के लिए बी के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, इसी तरह से सी के एलिमेंट हम लिखेंगे. बी के एलिमेंट्स आप लिख दीजिए प्लस ऑफ सी के एलिमेंट्स. जब ये दोनों एलिमेंट्स हम लिख लेंगे उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1, 5, 3, 0, 1, 5, 3 एंड 0 प्लस ऑफ बी सी के एलिमेंट्स हमें लिखते हैं 3, 1, 2, -1, 3, 1, 2 एंड -1. डियर स्टूडेंट्स, टू बी वेरी केयरफुल, एलिमेंट्स को उतारते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान से उतारना है. 1, 5, 3, 0 प्लस ऑफ सी के एलिमेंट्स 3, 1, 2, -1. ऐड करने के लिए क्या रूल है हमारा, बहुत इजी गेम. जी स्टूडेंट बताइए, 1 को हम ऐड कर लेंगे 3 के साथ, इसी तरह से 5 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ. ओके स्टूडेंट्स, 3 को भी हम ऐड करेंगे 2 के साथ,
जीरो को ऐड करेंगे माइनस वन के साथ, यहाँ पर हमारे पास है माइनस वन, ऐड करना है माइनस वन, क्या रिजल्ट आ जाएगा, थ्री और वन फोर, फाइव और वन सिक्स, थ्री टू फाइव और जीरो प्लस माइनस 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 का वन। ओके स्टूडेंट्स, फोर सिक्स फाइव माइनस वन, इस ये रिजल्ट हमने बी प्लस सी मालूम कर लिया है, हम इसको नाम दे देते हैं ओके स्टूडेंट्स टू का, इक्वेशन नंबर की टू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी हमारे पास वैल्यू मालूम हो गई है, फाइंड आउट कर ली हमने ए के एलिमेंट को, बी प्लस सी का जो रिजल्ट आया उसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम सब अब क्या लिखेंगे, फॉर ए बी प्लस ऑफ सी, ये हमें अब फाइनल रिजल्ट देना है, लिहाजा ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले हम ए के एलिमेंट्स निकाल लेंगे और उसके बाद बी प्लस सी जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो आएगी फोर सिक्स फाइव एंड माइनस वन। जी स्टूडेंट्स बताइए ए के एलिमेंट्स बुक में लेकर, वन थ्री टू, वन थ्री टू एंड फोर, मैंने आपको बात बताई कि एलिमेंट्स जब भी हम उतार रहे होंगे तो टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा एहतियात से हमें एलिमेंट्स को उतारना है। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आप मेरी आगे देख लीजिए, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या करेंगे इनको ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया है क्योंकि प्लस का निशान नहीं आएगा, हमें दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए रूल हमने आपको बता दिया था, वन मल्टीप्लाई बाय फोर मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड, इसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हमारे पास कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड रो को हम लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ यानी मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह से करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय फोर, वन मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस ऑफ थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम फर्स्ट रो को ही किसके साथ करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ जब हम कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, तो उसे स्पेस के साथ हम लिखते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस फॉर्मूले का थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या काम किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो ही हमने लिए सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, टू मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस ऑफ फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव, फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव, देन सेकेंड रो को ही हमें लेना है और आगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस ऑफ फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। जी स्टूडेंट्स, सिर्फ यही स्टेप है, इंपॉर्टेंट है स्टेप है, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इसको मल्टीप्लीकेशन के अमल को परफॉर्म करना है, वन मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, टू मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव, इसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस ऑफ फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। अब तो बहुत ईजी है,
हाफ। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 4 प्लस ऑफ 3 5 15, 2 4 8 प्लस ऑफ 4 5 20, 6 1 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 4 1 4। ओके स्टूडेंट, 4 प्लस 15, 6 माइनस 3, 8 प्लस 20, 12 प्लस 4 15, में 4 में 15 को ऐड कर लीजिए 19, इसी तरह से 28 और ये 3, यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। 12 माइनस 4 हमारे पास क्या आया, 8। ये हम क्या सॉल्व कर चुके हैं, ए ब्रैकेट बी प्लस ऑफ सी, ये हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम जो रिजल्ट है हमारे पास इसका नाम दे देते हैं ए। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ऑफ ए सी, कंसिडर राइट हैंड साइड। और अब हमें यहां पर बताना होगी कि राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ ए सी। अब इसमें जो है हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए और बी को हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर ए बी, ए के एलिमेंट्स और डी के एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम यहां पर पहले ए के एलिमेंट उतारेंगे और उसके बाद बी के एलिमेंट्स को उतारकर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 3 2 4, 1 3 2 एंड 4। इसी तरह से बी के एलिमेंट्स को हम उतारेंगे, 1 5 3 0, 1 5 3 एंड 0। एलिमेंट्स डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से उतारेंगे, तब चेक कर लीजिएगा, 1 3 2 एंड 4, 1 5 3 एंड 0। मल्टीप्लाई का रूल जो हमने आपको पहले बताया अभी इससे पहले आप ऊपर करके आ चुके हैं, तो लिहाजा लॉग को कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर पाना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट रो के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 0। चेक कर लीजिए, ओके स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये काम करना है, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम होगी। आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो इजी है, 1 1 1 प्लस ऑफ 3 इज 9, 2 1 2 प्लस ऑफ 4 इज 12, 1 5 इज 5 प्लस ऑफ 3 इज 0, 2 5 इज 10 प्लस 4 इज 0। आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, क्या है हमारे पास ए बी का रिजल्ट, ए बी इज इक्वल टू 9 1 प्लस कर लीजिए 10, 10 और 5 14 एंड 10, 10 5 10 5 14 एंड 10, ये हमने ए और बी रिजल्ट फाइंड कर लिया। इसका नाम हम देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। 1 2 हम पहले दे चुके थे, अब हम मालूम करेंगे फॉर ए सी। ए सी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए के एलिमेंट सीखेंगे, सी के एलिमेंट सीखेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है और इसी तरह से सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 2 1 3 2 एंड 4, सी के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं 4 6 5 माइनस 1, 4 6 5 माइनस 1। जी स्टूडेंट्स,
एक दफा जरूर चेक कर लिया करें ताकि आपसे रिजल्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा हम एलिमेंट्स को चेक करते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास सी के एलिमेंट्स ये नहीं है, लिहाजा 3, 1, 2 minus 1, 3, 1, 2 minus 1 जी स्ट्रिंग जरूर चेक करके रखें। ई के एलिमेंट्स को भी हम दोबारा चेक करते हैं 1, 3, 2 and 4। सी के एलिमेंट्स 3, 1, 2 minus 1 वही बात जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं। अब तो आप लोग भी बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे मल्टीप्लाई में भी। इजी है, दो चार दफा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप भी तेजी से करने लग जाएंगे। 1 multiplied by 3 plus of 3 multiplied by 2, 1 multiplied by 1 plus of 3 multiplied by minus 1 Okay students, 2 multiplied by 3 plus of 4 multiplied by 2, 2 multiplied by 1 plus of 4 multiplied by minus 1 जी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए आपने सही किया है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आगे के रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट मैच नहीं करेगा, प्रूफ नहीं हो सकेगा आपका, ताकि थोड़ा सा ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, अब तो इजी है। 1 3 3 plus of 3 to the 6, 3 to the 6 plus 4 to the 8, 1 to the 1 plus minus 3 to the 3, 2 to the 2 minus plus minus minus 4 to the 4 ए सी का क्या रिजल्ट हमने मालूम कर लिया 9 minus 2 3 plus 6 9 3 में से 1 minus 2 14 और ये हमारे पास -2 9 -2 14 and -2 इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 4। लास्ट हमारा फाइनल स्टेप जो है 4 राइट साइड क्या थे हमारे पास ये ए बी का जो भी रिजल्ट आया है ऐड कर लीजिए ए सी के साथ, ए सी के रिजल्ट के साथ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी प्लस ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी का रिजल्ट बताइए स्टूडेंट ए बी जी ए बी का रिजल्ट हमारे पास क्या है 10 5 14 and 10 ये हमारे पास ए बी का रिजल्ट आया है जो कि हमने लिख लिया और प्लस करना है हमें ए सी के रिजल्ट के साथ 9 minus 2 14 minus 2 ऐड कर लीजिए क्या आ रहा है 10 plus of 9 5 plus minus 2 और इसी तरह से 14 plus 14 10 plus minus 2 जी स्टूडेंट प्लस तो बहुत आसान है, ये तो आपको इसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बात वही है कि गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। जी स्टूडेंट क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा 10 10 plus 9 हमारे पास क्या हो रहा है 19 गुड 19 ये आ गया रिजल्ट। 14 में 14 प्लस करें 28 5 प्लस माइनस माइनस कर दो माइनस 2 तो ये आ गया 5 में से माइनस 2 कर दीजिए 3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कर सकते हैं आप लोग भी 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस कर दीजिए 8 तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है सेम है ए बी प्लस ऑफ ए सी। जी स्टूडेंट आंसर हम कैसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट हम किस तरह लिख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को हम उतार देते हैं A B plus of C is equal to A B plus A C is equal to जो रिजल्ट हमारे पास आया है फाइनल हम बोल लेते हैं 19 3 28 and 8 ये
ये हमने बात प्रूव कर दी है। 19, 3, 28 and 8। मैं इसको आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने भी अच्छी तरह से आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट, वी कैन राइट पूरा क्वेश्चन आपने बता रहा, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 19, 3, 28 and 8। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी हो। मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ करीब करके ताकि आप पॉज करके इसको राइट कर सकें, लिख सकें रजिस्टर्स में। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और आगे आपको ये काम आएगा। और मैं वहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैं आपको होमवर्क भी लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप इसको मुकम्मल करें। हम एक बार से आपको होमवर्क देंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डू एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का मैं देता हूँ आपको पार्ट 5। सिर्फ एक पार्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसको मुकम्मल करें, ये आपका होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको बार बार देखें, इस वीडियो को इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन भी आप और हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।